प्रिय छात्रों नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं एमएपीएस 108 विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान इकाई 4 राष्ट्रीय हित, इसमें हम देखेंगे। और कामना यादव असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। सबसे पहले इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में हम जो राष्ट्रीय हित पढ़ने जा रहे हैं तो राष्ट्रीय हित का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय हित में हम उद्देश्य देखते हैं। नंबर एक, राष्ट्रीय हित को समझना। नंबर दो, राष्ट्रीय हित के विभिन्न प्रकारों को समझना। नंबर तीन, विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के बीच संबंधों को समझना। राष्ट्रीय हित के विभिन्न साधनों की चर्चा करना। तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत जो राष्ट्रीय हित का टॉपिक है तो उसमें हमने उद्देश्य बताया कि ये उद्देश्य हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना देखते हैं। राष्ट्रीय हित की प्रस्तावना में हम देखते हैं राष्ट्रीय हित की अवधारणा राज्यों के साथ साथ प्रारंभ हुई और समय के साथ साथ इसके अनेक आयाम विकसित हुए। अलग अलग युगों में देशों ने अपने अपने लाभ को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई। प्रत्येक राष्ट्र अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने अपने राष्ट्रीय हितों की सूची तैयार करता है। हर देश अलग अलग मुद्दों के साथ अपने राष्ट्रीय हित को जोड़ता है। अधिकांश राज्यों द्वारा तीन प्रमुख लक्ष्यों को स्वीकार किया जाता है, जैसे आत्मरक्षा, सुरक्षा तथा लोक कल्याण आदि। तो हमने प्रस्तावना में ये देखा कि सभी राज्य समय काल परिस्थिति के अनुसार और अपने राष्ट्रीय हितों को जोड़ते हैं और समय समय पर राष्ट्रीय हित जो है परिवर्तित होते हैं। लेकिन जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है और हमेशा सदैव वही राष्ट्रीय हित बना रहता है, तो वो क्या है? आत्मरक्षा है और सुरक्षा है, लोक कल्याण है। तो सबसे पहले हम आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि कोई देश है तो हमारे देश पर अटैक कर रहा है तो हम जो है सेल्फ डिफेंस में हम उस पर भी अटैक करेंगे। तो आत्मरक्षा हमारा जो है क्या है, प्रमुख हमारा अधिकार है, राइट भी है। और हमारे देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे और इसलिए हमको जो है अपने देश के नागरिकों को और हमारे देश की सीमाओं को हमको सुरक्षित भी करना है, तो सुरक्षा भी हमारा जो है प्रमुख उद्देश्य है। और लोक कल्याण, इसके बाद आ जाता है लोक कल्याण। हमने आत्मरक्षा किया, सुरक्षा किया और लोक कल्याण, अपने देश की जनता का कल्याण करना है। लोक कल्याण मतलब कि कोई भी देश की जनता यदि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि की स्थिति से झेल रहा है, सफ़र कर रहा है, तो कोई भी देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल नहीं हो सकता है। और ये माना जाता है कि वो देश की स्थिति बहुत खराब है और निम्न स्तर का देश है, तो इस वजह से लगातार हर देश अपने अपने देश के लोगों की जो है लोक कल्याण के लिए उनके गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि को दूर करने का लगातार प्रयास करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय हित की अवधारणा। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय हित की अवधारणा क्या है। तो राष्ट्रीय हित वह नीति है जिसके आधार पर एक राज्य अपने कार्यों का संचालन करता है। राजतंत्र में राजवंशों का हित और राज्य का हित प्रमुख माना जाता था तथा बाद में लोकतंत्र में जनता का हित और राज्य का हित प्रमुख माना जाता है। लेकिन फिर वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र का उदय नहीं हुआ था तो उसके पहले राजतंत्र था और राजतंत्र के पहले कबायली युग था। तो कबायली समाज था मतलब राज्य, जो राज्य का मतलब कि विस्तृत राज्य, बड़ा राज्य, और राज्य का जो छोटा छोटा रूप होगा, छोटे छोटे कबीलों में जो बटा होगा तो होता है कबायली समाज।
तो जब कबायली समाज था तो उन्होंने भी अपने हितों को प्रमुख स्थान दिया और जो है अपने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने एक दूसरे से युद्ध किया। जब युद्ध किया तो जो छोटे छोटे राज्य थे, कमजोर कमजोर कबीला थे, तो वो क्या हुए, वो बड़े कबीलों में समाहित होते चले गए। तो बड़े कबीलों में जब समाहित हो गए, वही कबीला जब बड़ा हो गया तो राज का रूप ले लिया और जो उसका शासक था राजा उसको माना गया, तो राजतंत्र की स्थापना हो गई। तब माना गया कि राजतंत्र की स्थापना हो गई, एक राजतंत्र एक सिस्टमेटिक ढंग से जो व्यवस्था चलेगी। तो राजतंत्र में सबसे प्रमुख जो है किसको स्थान दिया गया, सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है राजाओं का हित होना चाहिए, राजवंशों का हित होना चाहिए और देश का भी हित होना चाहिए इसमें। तो जेम्स प्रथम हमारे जो कि बहुत ही प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि राजतंत्र में राजवंशों का हित ही प्रमुख होता है और इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्हें दैवीय आधार पर राजतंत्र को जो है जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी राज्य हैं तो उन राज्यों की स्थापना ईश्वर ने रचना किया है और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा को वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो अगर राजा की अवहेलना की जाएगी, राजा के आदेशों की हम अवहेलना कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आप ईश्वर के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। तो इस वजह से हमको राजा के आदेशों की अवहेलना कतई नहीं करना है, जो भी राजा आदेश देंगे हमको उसका पालन करना आवश्यक है। और यदि राजा दंड देने का प्रावधान कर देते हैं, अकारण ही किसी को दंड देते हैं, तो ये माना जाएगा कि हमारे पूर्व जन्म की ऐसी करनी थी तो उसी का प्रतिफल मिला हुआ है और हमको उसके कर्मों का भोग करना पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी न किसी रूप में राजा के हित को साधने के लिए और राजा के आदेशों का पालन करवाने के लिए उन्होंने धार्मिक और दैवीय आधार से जोड़ दिया था, क्योंकि पहले लोगों में तर्क और बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, कला साहित्य विज्ञान आदि का विकास नहीं हुआ था, तार्किक युग नहीं था, धार्मिक युग था, जिससे जो है धर्म के आधार पर हर चीज को जस्टिफाई किया जाता था। इसके बाद आता है जब राजतंत्र में ढेर सारी विकृतियां उत्पन्न होने लगी और लोगों के अधिकारों को नहीं समझा गया, तो माना गया कि ये राजतंत्र एक पुराना अवधारणा पड़ चुका है और ये जो है अवॉइड कर दिया गया, निग्लेक्ट कर दिया गया और राजतंत्र के बदले में एक लोकतंत्र की अवधारणा ने विकसित किया, मतलब कि लोकतंत्र की अवधारणा विकसित हुई जिसमें कि माना गया कि जनता का हित प्रमुख होता है और देश का हित भी प्रमुख होता है, क्योंकि किसी भी देश के नागरिक यदि गरीबी बेरोजगारी भूखमरी की स्थिति पर है, उसके अगर स्थिति से झेल रहे हैं, तो ये देश कभी भी नहीं माना जाता कि वो देश कभी मतलब विकास की स्थिति में है या विकास की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए लोकतंत्र की जो अवधारणा विकसित हुई उसमें सबसे ज़्यादा लोक कल्याण की भावना, लोगों के रोजगार की बात की गई, लोगों को मानव अधिकार लोगों को प्रदान किए गए, किसी को इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, शोषण नहीं किया जाएगा किसी को, इसी में सब मौलिक अधिकारों की जो है अवधारणा विकसित हुई और सबको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए कि सभी व्यक्तियों को रोजी रोटी रोजगार और भ्रमण करने का अधिकार सबको प्रदान किया गया और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार प्रदान किया गया और बोलने की वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो इस प्रकार जो है लोकतंत्र में लोगों को अधिकार प्रदान किए गए और लोगों के विकास को देश के विकास से जोड़ा जाने लगा और देश का भी विकास करना आवश्यक है। तो देश का विकास कैसे होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी का विकास करना, उद्योग धंधों का विकास करना, तो जो है राष्ट्र का विकास होगा और जो है प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रति व्यक्ति आय प्लस राष्ट्रीय आय, ये सब जोड़ के माना जाता है कि देश का विकास हो रहा है। तो ये लोकतंत्रीय अवधारणा का विकास हुआ। इसके बाद जब लोकतंत्रीय अवधारणा
भी पुरानी पड़ने लगी। तो आजकल जो ट्रेंड में है, जो आजकल वर्तमान समय में है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और लोक कल्याणकारी राज्य के उदय की बात की गई। उदय हुआ क्योंकि जो है उसमें भी शोषण की भावना आ गई और शोषण किया जाने लगा था लोगों का, इसलिए हमने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का हमने विकास किया। तो आज वर्तमान समय में देश में, विदेश में, पूरे विश्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो है विकास किया जा रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का आशय है कि व्यक्ति को उसको अपनी क्षमता और योग्यता के हिसाब से काम मिलना चाहिए। तो काम कौन दे सकता है? जो राष्ट्र सक्षम होगा। तो जैसे कि आज अमेरिका है, चाइना है, जापान है, इटली है, इंग्लैंड है, ये सब जो विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं, तो उन्होंने हर व्यक्ति को जो है काम उपलब्ध करा रखा है और उनको क्षमता आवश्यकता के हिसाब से वेतन भी मुहैया कराते हैं। तो ये हो गई लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो राष्ट्र विकसित देशों की श्रेणी में शामिल नहीं है तो उनके यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं है। इसका आशय बिल्कुल ये कतई नहीं है। तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया बना रखा है? जो विकासशील देश हैं, जो विकास की अवस्था को अभी प्राप्त नहीं किए हैं, विकास की दौड़ में अभी शामिल हो रहे हैं, तो उन देशों ने क्या मतलब रवैया अपनाया है, क्राइटेरिया अपनाया है कि अपने देश के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से वो जो है लोगों को नौकरी, रोजगार आदि प्रदान कराते हैं। लेकिन किंतु यदि उनके क्षमता में सभी लोगों को नौकरी रोजगार प्राप्त कराना संभव नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि गरीबों को उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाते हैं, जैसे कि मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना। क्योंकि हमारे देश के जो हमारे संविधान में राजनीतिक जो तत्व हैं, नित निषेक तत्व हैं, तो उसमें कहा गया है कि जो हमारा देश है और सभी राज्य लोक कल्याण की मतलब लोक कल्याणकारी योजनाएं जो है बनाएंगे, स्थापित करेंगे जनता, ताकि भूखों ना मरे और जो है उनको सभी प्रकार से जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएं। क्योंकि अगर किसी भी देश की जनता भूखों मर रही है तो जो है ये बहुत बड़ा जो है राज्य पर, स्टेट पर कलंक लग जाता है। तो इसलिए भारत सरकार ने, इसलिए भारत की जो और स्टेट हैं, तो उन्होंने जो है बना रखा है एक क्राइटेरिया कि अगर इस मतलब कि बीपीएल श्रेणी में जो भी आते हैं, नीचे की श्रेणी में आते हैं लोग, तो उनको राशन वगैरह जो उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जब तक नौकरी की सुविधा नहीं मिल जा रही है, जब तक उनको नौकरी नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, तब तक कम से कम उनको राशन फ्री का दिया जाए और अपना वो जीवन यापन कर सकते, कोई जो है भूखों ना मरे। तो ये है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय हित का अर्थ। तो राष्ट्रीय हित के अर्थ में देखते हैं, चार्ल्स लर्च तथा अब्दुल सैयद के अनुसार व्यापक दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य और राष्ट्र सरकार में सब अपने अपने को प्रयत्न करता पाते हैं, तो वही राष्ट्रीय हित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी राष्ट्र अपने आप को वो देखते हैं कि हम जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहे हैं, तब माना जाता है कि वही राष्ट्रीय हित है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, अतः राष्ट्रीय हित कुछ ऐसे लक्ष्य, अभिलाषाएं तथा कार्य होते हैं जिनको एक राज्य पूरा करना चाहता है ताकि वह दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक प्रभावी बन सके। यह लक्ष्य समय तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि सभी राष्ट्र अपने जो है लक्ष्यों को प्राप्त करते, लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय हित है, और ये समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय हित के प्रकार। राष्ट्रीय हित
कितने प्रकार के होते हैं? तो राष्ट्रीय हित जो है 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक हित, नंबर 2 गौण हित, नंबर 3 स्थायी हित, नंबर 5 सामान्य हित, नंबर 6 विशिष्ट हित। और विशिष्ट हित में भी 3 प्रकार के हित और इसमें ऐड हैं, समान हित, पूरक हित, परस्पर विरोधी हित। तो प्राथमिक हित क्या है? प्राथमिक हित जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया है, प्राथमिक हित है आत्मरक्षा, सुरक्षा, लोक कल्याण। तो ये चीजें हैं हमारे प्राथमिक हित में। और गौण हित है, गौण हित में आ जाता है जैसे जैसे राष्ट्र अपने को सक्षम पाते हैं और उनकी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, तो अपने क्षमता के अनुसार देश के नागरिकों को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, तो ये गौण हित में आ जाता है। फिर इसके बाद स्थायी हित। स्थायी हित का मतलब जो कि शुरू से अंत तक वो हित बना रहे और उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो स्थायी हित क्या है? स्थायी हित है आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति। जबकि आर्थिक हित तो मेन हित है। पहले के समय में आर्थिक से ज्यादा सैन्य संसाधन को ज्यादा प्रमुखता दी जाती थी, मतलब आर्थिक हित तो था ही, लेकिन जैसे कि प्राथमिक गौण होता है उसी प्रकार, तो मतलब सैन्य को माना जाता था कि जिस देश के पास सेना ज्यादा होगी तो वो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके स्थान पर आर्थिक हित प्रमुख हो गया है। तो ये माना जाता है कि आर्थिक रूप से जो कोई देश बहुत ही सक्षम होगा और वही माना जाएगा कि पूरा देश में सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र। तो आर्थिक हित प्रारंभ से ही स्थायी हित में माना गया है। इसके बाद आ जाता है परिवर्तनशील हित। परिवर्तनशील हित का आशय है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार जो हित परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि हमारा देश जब शुरू में आजाद हुआ था उस समय क्या हित था? प्राथमिकता ये थी कि हमारे देश की जो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, तो उस स्थिति से उबरने के लिए हमको प्रयास करना है और गरीब जो जनता है, जो देश की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, उसको जो है स्टेबल करना है और जो है उस स्थिति से निकलने के लिए ऐसे हमको प्रयास करना है, उद्योग धंधे डेवलप करना है, लोगों को रोजगार देना है, तो ये सब चीज़ की व्यवस्था करना है। फिर इसके बाद जो आज वर्तमान समय का युग हो गया है, हमारा देश जो है विकास की श्रेणी में बहुत आगे आ गया है और पहले की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है टेक्नोलॉजी में और वैज्ञानिक जो है आविष्कार, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमारे हित क्या हो गए हैं? अब हित हमारे थोड़ा परिवर्तित हो गए हैं, जो कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी ये सब पहले स्थिति से निकलने प्रयास किया जा रहा था। अब क्या प्रयास किया जा रहा है? अब प्रयास किया जा रहा है कि हम जो है अंतरिक्ष में यान भेजे जा रहे हैं, जैसे कि चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो हम जब विकास की उच्च अवस्था प्राप्त कर रहे हैं तो और हम आगे की अवस्था प्राप्त करें, पहले मतलब हित दूसरा था, अब हित जो है अलग हो गया क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार हित में परिवर्तन हुआ है। अब हम देखते हैं सामान्य हित। सामान्य हित का मतलब होता है कि सामान्य हित जो कि सभी देशों के हित समान है, एक रूप से क्या हित समान है हमारे, कि हमको जो है परस्पर प्रेम सौहार्द का वातावरण तैयार करना है, आपस में सामंजस्य के साथ रहना है। अगर सभी देश प्रेम पूर्ण सौहार्द के साथ आपस में सामंजस्य के साथ रहेंगे तो अपना अपना सभी देश विकास कर सकते हैं। तो ये हो गया सामान्य हित। और एक है नंबर 6 पर विशिष्ट हित। तो विशिष्ट हित में समान हित, पूरक हित, परस्पर विरोधी हित। समान हित, समान हित की अभी मैंने चर्चा कर दिया कि प्रेम सौहार्दपूर्ण जो है वातावरण विकसित करना है ताकि हम एक दूसरे के सहयोग से हम अपना विकास कर सकें। और ये पूरक हित, पूरक हित का मतलब होता है कि एक दूसरे के सहयोग से हम अपना भी हित करेंगे तथा अगले का भी हित होगा। मतलब जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका भारत में कोई कंपनी जो है लगाना चाहती है या उद्योग धंधे लगाना चाहती है, तो अमेरिका का हित ये होगा कि जो है उसको बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा और जो है उसका सामान यहाँ पे जो है खपत हो जाएगी,
और उसके जो है उसका जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगा, और हमारा ही तो उसमें जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? ऐसे जुड़ा हुआ है कि हमको जो है टेक्नोलॉजी का भी अनुभव हो जाएगा और हमारे यहाँ की हमारे देश की जनता को जो है बहुत बड़ा रोजगार मिल जाएगा। अगर हमारे देश में कोई कंपनियाँ बाहर से आती हैं तो इसीलिए जो है इसकी उदारीकरण की व्यवस्था की गई थी कि बाहर से कंपनियाँ आएंगी हमारे यहाँ लगेंगी तो हम टेक्नोलॉजी का भी अनुभव लेंगे और हमारे देश की जनता जो है उसको रोजगार मिलेगा। तो ये हो क्या हो गया, एक दूसरे के पूरक हित हो गए कि एक दूसरे के सहयोग से हित प्राप्त हो रहे हैं, एक परस्पर विरोधी हित। तो परस्पर विरोधी हित में क्या आता है, परस्पर विरोधी कि मतलब यदि किसी देश का हित उस पे है और किसी देश का उसमें क्या है, हित नहीं है। कोई अपना हित कर रहा है, जैसे कि अमेरिका है तो अमेरिका एक सीमा से अधिक अपने जो है टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रहा है, बहुत ज़्यादा विस्तार करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो क्या है अन्य देश जो है इस पर खतरा महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि ये अगर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो ये जो है अपनी बात सब पे मनवाएगा और जो है हम लोग जो है कमज़ोर साबित होंगे। तो ये क्या है, परस्पर विरोधी हित। जैसे कि उनका हित है और अपने हित के लिए अपने टेक्नोलॉजी का अत्यधिक विकास करते जा रहे हैं तो अन्य देशों का हित उससे जो है प्रभावित होता हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि अपने अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए हम कौन से तरीके अपनाएं, कौन से साधन अपनाएं जिससे हमारे राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि वृद्धि हो और हमारे राष्ट्रीय हित की प्राप्ति हो। तो उसमें सबसे पहले स्थान है कूटनीतिक साधन। तो कूटनीतिक साधन का तात्पर्य है कि बातचीत के द्वारा जो है हम किसी देश से हम समन्वय स्थापित करें, कोऑर्डिनेशन बनाएं। तो बातचीत का माध्यम होता है जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है राजदूतों की विदेशों में। तो जो हमारे विदेश में विदेशी राजदूत होते हैं हमारे देश के नियुक्त होते हैं बाहर, तो वो बराबर अन्य सरकारों से और देश की सरकारों से जो है कम्युनिकेशन करते रहते हैं और यहाँ की जो जितनी सूचनाएं हैं राजदूतों के माध्यम से हम विदेशों में अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं और जो है वो कूटनीति का सहारा लेते हैं। और ताकि क्योंकि कोई भी देश का राजदूत या किसी देश में जाता है तो वो हर संभव प्रयास करता है कि संधि समझौते आदि जो है हो जाएं जिसके माध्यम से जो है विकास को गति मिले। इसके बाद हम देखते हैं प्रचार और राजनीतिक युद्ध। तो प्रचार और राजनीतिक युद्ध, प्रचार का मतलब है हम लगातार जैसे कि अपने शक्ति का वृद्धि कर रहे हैं तो हम शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे और हम लगातार प्रचार करते रहते हैं हर माध्यम से कि हमारी जो है ये इस प्रकार की क्षमता का विकास हो रहा है, हमने टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है, तो प्रचार हो गया। एक है राजनीतिक युद्ध। तो राजनीतिक युद्ध क्या है कि जो शस्त्र से नहीं लड़ा जा रहा है, वाक युद्ध। जब तीसरा युद्ध विश्व युद्ध ये माना गया कि शीत युद्ध था, तो शीत युद्ध के काल में कभी भी शस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ा गया, वाक युद्ध था, एक राजनीतिक युद्ध था। तो हम लगातार एक दूसरे की आलोचना करना और अपनी बात मनवाना और अपने जो है लोगों को जैसे कि विश्व दो ध्रुव में बटा हुआ था तो एक ध्रुव के लोग जो है दूसरे ध्रुव के लोगों को जो है धमकी देना और ये सब चीज़ का वाक युद्ध चलता रहता था। तो ये माना जाता है कि ये राजनीतिक युद्ध हो रहा था। फिर हम देखते हैं आर्थिक साधन। तो राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए हम जो अपने आर्थिक साधन भी अपनाते हैं, अपने आर्थिक चीज़ों की पूर्ति के लिए अपना हमेशा जो है टेक्नोलॉजी का विकास करना और देश को जो है गति देना, विकास को गति देना, ट्रेड व्यापार आदि के माध्यम से अपने देश के विकास को बढ़ाना। तो ये चीज़ है आर्थिक साधन। अब नंबर चार पे आते हैं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद का सहारा कौन देश लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि पहले
इंग्लैंड ने साम्राज्यवाद का सहारा लिया था और उपनिवेशवाद का सहारा लिया था और इटली ने सहारा लिया था। तो ये सब देशों ने साम्राज्यवाद का सहारा लिया था, अपने अपने देश को विस्तार करना चाहते थे ताकि वो किसी अन्य देश पर प्रभुत्व जमा सकें और अपने देश का विस्तार कर सकें। उपनिवेशवाद, इंग्लैंड ने उपनिवेशवाद का सहारा लिया था, तो मतलब कि ट्रेड व्यापार के लिए उसको किसी अन्य देशों पर प्रभुत्व जमाया और जो है वहाँ पे अपने उपनिवेश स्थापित किए, मतलब कि रूल रेगुलेशन शासन उनका चलेगा, इंग्लैंड वालों का चलेगा और उन्हीं की रूल रेगुलेशन के अनुसार अन्य देशों में पूरी व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था चलती थी और जो है ताकि उनको जो है सब पूरा जो है आर्थिक संसाधनों, आर्थिक चीज़ों के और उनके उद्योग धंधों को रॉ मटेरियल्स अन्य देशों से पहुँचता रहे और जो है नियम कानून वो अपने हिसाब से बनाते थे ताकि उनको जो है जो आयात निर्यात का कर लगता है तो उसको उन्होंने फ्री कर दिया था और फ्री करने के बाद उन्होंने अपने देश को के व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने उद्योग धंधों के विकास को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से उपनिवेश स्थापित किए थे। तो इसके बाद देखते हैं युद्ध। जब राष्ट्रीय हित के अपने राष्ट्रीय हित को साधने के लिए ये चार प्रकार के जो साधन अपनाते हैं, तो जब चार प्रकार के साधन जो है फेल हो जाते हैं तो एक अंतिम शस्त्र है उनका युद्ध। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि रूस और यूक्रेन से युद्ध चल रहा था पहले, अभी भी चल रहा है, अब अभी वर्तमान में इजराइल और हमास से भी युद्ध चलने लगा है। तो क्या है कि अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लास्ट में युद्ध का सहारा लिया उन्होंने, क्योंकि जब कूटनीतिक प्रचार, आर्थिक और साम्राज्यवाद ये सब चीज़ जब फेल हो जाता है तब लास्ट में युद्ध का सहारा लिया जाता है, तो उन्होंने युद्ध का सहारा लिया है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय हित तथा विदेशी नीति। राष्ट्रीय हित विदेशी नीति का प्रमुख सिद्धांत है। विदेशी नीति का प्रारंभ राष्ट्रीय हित से होता है। हैंस जे मॉर्गेंथाउ का विचार है कि जब तक विश्व में राजनीतिक रूप में बटा रहेगा, राष्ट्रीय हित विश्व राजनीति का अंतिम लक्ष्य रहेगा। उन्होंने कहा है कि विश्व जो राजनीतिक उद्देश्य से अगर बटा रहेगा तो उनका अंतिम लक्ष्य यही राष्ट्रीय हित रहेगा, और मतलब कि अपने अपने लोग स्वार्थ की पूर्ति करते रहेंगे, राजनीतिक रूप से विचारधाराएं अलग अलग होंगी, तो सिर्फ व्यक्ति कोई भी राष्ट्र अपना जो है राष्ट्रीय हित, सिर्फ राष्ट्रीय हित की पूर्ति करने का प्रयास करेगा। फिर इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय हित विश्व राजनीति का अंतिम लक्ष्य रहेगा। लॉर्ड पामरस्टन का कहना है कि विश्व राजनीति में हमारे देश में स्थायी मित्र या विरोधी नहीं है, केवल हमारे मित्र ही स्थायी होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो मित्र या शत्रु कोई स्थायी नहीं होते, हमारे हित ही स्थायी होते हैं। किसी भी राष्ट्र में कोई भी कभी मित्र बन सकता है, कभी शत्रु बन सकता है। जैसे कि एक समय था जब चाइना भारत का युद्ध हुआ था तो एकदम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे जैसे परिवर्तित होता चला गया और आज हम जो है एक दूसरे के देशों के माध्यम से चाइना और भारत जो है आर्थिक युग में कदम रखा, तो एक दूसरे के सहयोग से विकास को जो है गति दे रहे हैं, विकास की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, ट्रेड व्यापार हमारा बढ़ रहा है और हमने जो है आपसी क्या दुश्मनी को जो है किनारे कर दिया है। मेन उद्देश्य है अपना आर्थिक हित देखना। तो यही कहा गया है कि विश्व राजनीति में कोई भी देश स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता है, मेन होता है हमारा हित। हित हमारा जिससे पूर्ति होगा हम उससे जो है मित्रता कर लेंगे। अगर हमारा हित किसी से बाधित हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी, उससे हमारी दुश्मनी हो जाएगी। तो इसके बाद देखते हैं हितों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है।
कोई भी राष्ट्र स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते हैं कि उनकी विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही अपने विदेश नीति को बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी राष्ट्र यह जो है स्वीकार नहीं करते हैं, प्रमुख रूप से बड़े बड़े हेडलाइंस में ये नहीं लिख देते हैं कि हम राष्ट्रीय हितों को जो है प्राप्त करने के लिए हम अपनी राष्ट्रीय नीतियों को बना रहे हैं या विदेश नीति को हम बना रहे हैं। ये एक तो अंडरस्टूड होता है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करने के लिए ही अपने विदेश नीति को हम बनाएंगे। विदेश नीति का मतलब होता है किसी अन्य देश से संबंध बनाना। तो हम किसी अन्य देश मित्र से, मित्र राष्ट्रों से या किसी भी राष्ट्र से हम यदि उनसे संबंध बना रहे हैं और संधि समझौते आदि के माध्यम से, तो मेन होता है राष्ट्रीय हित। इसको हम जो है बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इस प्रकार से नहीं कहते हैं कि मेन हमारा राष्ट्रीय हित है। और ये मतलब ये तो समझने की बात है कि ये राष्ट्रीय हित ही मेन उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय हित ही प्रमुख होते हैं। हमने देखा कि कितने प्रकार होते हैं, हमने देखा कि विदेश नीति और राष्ट्रीय हित का क्या संबंध होता है, कौन कौन से साधन हम जो राष्ट्रीय हित के लिए अपना सकते हैं। तो राष्ट्रीय हित जो है प्राथमिक, गौड़, स्थाई, अस्थाई, इन सब चीज पे हमने चर्चा किया है। तो स्थाई हित है और एक अस्थाई परिवर्तनशील हित। तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय हित का जो स्थायी हित है तो वो जो आर्थिक होता है मेन, और आर्थिक हितों की पूर्ति करना ही राष्ट्रीय हित का उद्देश्य होता है। हम कहीं से भी अपने आर्थिक हित को पूरा करेंगे। और जो गौण हित है और तो वो जो है अन्य सुविधाओं की जो है लोगों को मुहैया कराना, देश के नागरिकों को सुविधाएँ मुहैया कराना, आत्मरक्षा, सुरक्षा, लोक कल्याण, ये सब चीज़ की जो है हम प्रमुख स्थान देते हैं, राष्ट्रीय हित का प्रमुख स्थान है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।